Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jiten Singh Jitu sir, your English teacher. Today in this video we are going to discuss the next part of the chapter The Little Girl. We have already studied till the 7th paragraph. Now today we will start from 8th paragraph, that is this one. So let's start. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. So it means, जब पिताजी ने केजिया को हाथों पर रूलर से पीटा, उसके घंटों बाद, जब दादी माँ आई और उन्होंने केजिया को एक कपड़े में लपेटा, अपनी शॉल में, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसे घूमने वाली चेयर पर बैठा दिया. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, बच्ची उनके सॉफ्ट बॉडी से चिपक गई. व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर सी सॉल्ट, सिसकते सिसकते उसने कहा, भगवान ने पिता किस लिए बनाया. हेयर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. तो दादी माँ ने कहा, बेटी ये लो, साफ हैंकी है ये, और इससे अपनी नाक पोंछ लो और सोने जाओ. प्यारी बच्ची, सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इतने अपसेट थे आज रात कि उन्होंने मेरी कुछ बात ही नहीं सुनी. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची उस बात को कभी नहीं भूली. नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक. अगली बार जब उसने अपने पिता को देखा, तो जल्दी से उसने अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे कर लिया. एंड अ रेड कलर फ्लू इन टू हर चीक्स, और उसके लाल गाल हो गए, यानी डर के मारे उसका चेहरा लाल हो गया. द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. मैकडोनाल्ड नाम का परिवार उनके घर के ठीक सामने रहता था. दे हैड फाइव चिल्ड्रन, उनके भी पांच बच्चे थे मैकडोनाल्ड के. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग. दीवार में एक होल बना हुआ था, उस होल में से देख करके उस छोटी लड़की ने, यानी केजिया ने, उस मैकडोनाल्ड फैमिली को टैग नाम का गेम खेलते हुए देखा. इन द इवनिंग, शाम को, द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, पिता एक माओ नाम की बेबी को अपने कंधे पर बैठाए हुए था. टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, दो छोटी लड़कियां उसके कोट की पॉकेट से लटकी हुई थी. रेन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और वो फ्लावर बेड्स का चक्कर लगा रहे थे. शेकिंग विद लाफर, हंस रहे थे. वंस सी सॉ द बॉयज टर्न द हाउस होज ऑन हिम, एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. बच्चे हंस रहे थे और वह उनका पीछा कर रहा था, उनको चेस कर रहा था, पकड़ने की कोशिश कर रहा था हंसते हंसते. देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, तब उसने डिसाइड किया कि अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं. सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ बीमार पड़ गई. एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वह और दादी हॉस्पिटल चले गए. द लिटिल गर्ल वाज
लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस। अकेली लड़की एलिस के साथ घर में, बिल्कुल अकेली थी, छोटी लड़की एलिस के साथ घर में अकेली थी, जो एलिस नाम की कुक थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन में तो सब कुछ ठीक रहा, ठीक ठाक चल रहा। ये है गाइस मैकडोनाल्ड फैमिली, एक पिता है जो अपने बच्चों के साथ किस तरह खेल रहा है। तो गाइस दिन में सब कुछ ठीक ठाक था, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रीव सडनली अफ्रेड। जब एलिस उसे बिस्तर पर लिटा रही थी तो अचानक वह डर गई। वाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, सी आस्क्ड। उसने पूछा, अगर मुझे रात में कोई भयानक स्वप्न आ गया तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे तो अक्सर रात को स्वप्न आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क। दादी माँ मुझे अपने बेड पर ले जाती हैं, मैं इस अंधेरे में अकेली नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये बहुत ही भयंकर है, खतरनाक है। हु जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सैड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम सोने जाओ बच्ची, एलिस ने कहा पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पापा, एंड डोंट यू स्क्रीम, तुम चीखना मत, एंड वेक योर पुअर पापा, और अपने बेचारे पापा को जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही पुराना भयानक स्वप्न आया। द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक कसाई जिसके हाथ में चाकू था, एक रस्सी थी। हु केम नियरर एंड नियरर, जो पास चला आ रहा था, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, भयंकर हंसी के साथ मुस्कराते हुए। वाइल सी कुड नॉट मूव, वह मूव भी नहीं कर सकी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल खड़ी हो सकी। क्राइंग आउट, और चिल्लाने लगी, ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ। सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वह जाग गई कांपने लगी पिताजी को अपने बेड के पास खड़ा हुआ देखकर। अ कैंडल इन हिज हैंड, जिनके हाथ में एक कैंडल था। व्हाट इज द मैटर, ही सेड, और उन्होंने पूछा क्या बात है बेटी। ओ ए बचर ए नाइफ, ओ ये कसाई उसके पास में चाकू। आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल को बुझा दिया। बैन डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, बैठ गए और उन्होंने बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसे अपने बड़े बेडरूम में ले गई। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बिस्तर पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द न्यूज़पेपर, उन्होंने पेपर को रख दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर सावधानी से उस बच्ची को अपनी गोद में लिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उनके पास ही लेट गया। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी वो आधा सोया हुआ था। स्टिल विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और बच्ची के दिमाग में अब भी उसी कसाई की तस्वीर आ रही थी। सी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, वह सरक कर पिताजी के पास चली गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, और अपने सिर को अपने पिता की बाहों में घुसेड़ दिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और कसकर उसकी शर्ट को पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, अब उसके लिए अंधेरे से कोई मतलब नहीं था, वह शांत लेट गई। हियर रब योर फीट अंगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, लो अपनी लेग्स को मेरे फीट पर रब करो, रगड़ो और उन्हें गर्म कर दो, सैड फादर, पिता ने कहा। सो गाइस इट वॉज द
explanation of these four passages. Now we will discuss next in the next video. Till then, thank you. Bye bye.